काफी इतना खराब शूटिंग के जरिए जर्सी नंबर 5 होते थे मनीष किसको हवा में सिर्फ तालमेल अटकी बढ़िया हुई वो शुक्लाल बॉल रे आया कब्जा बना उतरो जर्सी नंबर 5 मनीष लंबे कद काटी रन खिलाड़ी के धीमल रियान एमआरिया ने कोशिश किया मगर चार उना गेंद रेखाड़ी रहता है कि ना और देखो फॉल फ्री किक जमा लिया ऑक्टे मनीष से घुनवा 8 नंबर है एम कौ दिया बाल बाल बचाओ ना मौका हुई तो देख रहा लेकिन सरल शिकारी एक टप्पा खाने के बाद आए थे पार्टनर साथी खिलाड़ी के लेकिन उनकी बाय प्रॉब्लम ना सुमेल गेंद के पीछे ले बीमल कुमार गेंद रे कब्जा बना कर रहा से ने थेव कदा लेकिन जी 7 नंबर बोले अंटा करना से बांग बाय अंटा लेना 7 नंबर अरुण हेमरम तिहीं अरुण हेमरम बाय में जुड़ाव करना 10 नंबर कुकी लामा टिप्पणी है पासे कांदे ना कुकी इस बीच बॉल कंट्रोल किया 8 नंबर लग लेकिन रिफ्लेक्शन हुई ना 8 रन उड़ाए जर्सी नंबर 12 लग रंजन लग सुशील रंजन गलत पास मनीष सरहद रन शिकारी चंद्र पार्वत बहुत ही लंबा राइट फॉरवर्ड पावर टाइम को दिया विमल के रूप में विमल जी बोले चुना से बाले चुना दिख रहा टिपचे क्रॉस का मौका हुई हुआ लेकिन बिल्कुल मेरे ख्याल से भी वही समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से आप बेहतर अगर शॉट्स जमाने की आपके अंदर अगर वो काबिलियत है तो आप कर सकते हैं एक बार गोलकीपर को भी ट्राई करना उसको भी होश में लाना बेहद जरूरी है लेकिन आप बेकार शॉट करते हैं इस प्रकार का शॉट और इस तरह से भी गोलकीपर को कोई क्षति नहीं होने वाली है बिल्कुल बिल्कुल और इस तरह से लेफ्ट साइड से कुकी का प्रयास अच्छा ड्रिबलिंग कर रहे हैं लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जब तक उनको 100% सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो अपने खेल में चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे फिलहाल एक फॉल्ट करार दिया गया है बॉल रहित आप आगे से टैकल करने का प्रयास कर रहे थे इसलिए आपको फॉल्ट दिया गया है फिलहाल शॉट के लिए तैयार हैं और ये गोलकीपर का कमाल होगा साधारण बॉल इधर करके आगे की ओर शॉट लेने का और मैं बता रहा था कि फ्री शॉट जो सेंटर सर्किल से लिया जाता है मैंने अपने लाइफ में शायद ही ऐसा गोल होते हुए देखा होगा कि फ्री किक किया और गोल हो गया बहुत मुश्किल से हुआ भी होगा कहीं नहीं वाली बात नहीं है असंभव कोई चीज नहीं है लेकिन 99% गोल नहीं ही होता है 1% ही चांसेज है कहीं गोल हो गया लेकिन जो इतने बड़े टूर्नामेंट में आएंगे वो गोलकीपर भी तो मजे में लाएंगे बिल्कुल इसलिए गेदर करने का जहां तक सवाल है प्राय इस तरह का बॉल गेदर होता है और बहुत तो किक ऐसा होता है कि गोलकीपर तक पहुंच भी नहीं पाता है वो बेकार जाता है ओपोनेंट को चांस मिल जाता है किक लेने के लिए इससे बेहतर मेरे ख्याल से अगर वो बॉल को बना करके ही आगे बढ़े तो वो अच्छा होगा फिलहाल एक शॉट मिला है बोर्डलैंड को दोनों ही टीमों का स्कोर बराबरी पर चलता हुआ देखने वाली बात होगी और बहुत सुंदर ज्यादा हीट लेने का प्रयास नहीं किया गया था वो जो दीवार बना था वहीं गिराने का प्रयास था लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिली गोलकीपर ने अच्छा लॉफ्टेड शॉट किया है सेंटर सर्किल के पास से बॉल को और इस तरह से हैंड फॉल जान करके इशारा किया गया था किक लेने के लिए तैयार अच्छा हेडिंग करके लौटाया बॉल को फिर बैक पास किया सीने से टकरा करके बॉल पोर्टलैंड के खिलाड़ी बॉल को लेने का प्रयास कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में दोनों का खेल करीब करीब बराबरी पर चलता हुआ लेकिन हमले पोर्टलैंड के खिलाड़ी ने ज्यादा जरूर बनाए लेकिन कामयाबी नहीं मिली है अभी तक फिलहाल लंबा शॉट राइट आउट के लिए राइट आउट के खिलाड़ी देखने वाली बात होगी जद्दोजहद करते हुए और इस तरह से बॉल बाहर थ्रो लिया गया जर्सी नंबर 17 के लिए समानांतर पास बहुत सुंदर और डायरेक्ट किक लेने का प्रयास किया गया था लेकिन वहां बेकार शॉट
गोलकीपर ने राइट हाथ के खिलाड़ी को मिला है बॉल। प्लेयर सूची बड़ी बढ़िया एक शून्य या लीड लगाव बते सरहद रेल शिकारी टीम बढ़िया को बढ़ात करा मीटन मंजा हुआ टीम उकादा होला श्रीकांत हो बाय तहे करा एन हो बढ़िया को गतिल ना विपक्षी टीम भी लगाते नेल था स्टार खिलाड़ी विजय मरंडी बनिया और बते कोई मीट अर्थी हम एडवांटेज में आमदा श्रीकांत मकू का दिया लेकिन रिजल्ट में थोड़ा गान एकदम उल्टा है करा फर्स्ट नंबर पीटर कुकी जर्सी नंबर 10 इनाम हारे ये विश्लेषण लिदा इस दास सर बोले पास भुला नो काल का कुकी पास एक काम कहना विजय तकिन काल का किन तालमेल एक काम कहना और उनिया कमी के कारण वहां तालमेल थोड़ा गन बांध लोग करना लेकिन श्रीकांत गेंद के पीछे रे गोल मशीन श्रीकांत अगर पीछे से खिलाड़ी हुई दीपक के लिए दीपक बॉल है डबल का डबल क्रॉस में दीपक कुमार लेकिन बाल वहां पे बचाओ किधर निश्चित तौर पर अंजित किसको गोल कीपिंग या दमदार गेंद फेरे बाबूलाल तीन गोल या दरकार बिना रिमोज दीपक रोड़े से आम कॉल करते रफाइल को अधेर का दिया जीत अभी हो गोल टेकिंग खिलाड़ी करना कभी भी गोल हमें एम धड़ी आम करना बसरते उनका बॉल की रफाइल माया थोड़ा गान उका लासेर तेकान बेनापन उका को मितावा खान अटैकिंग लाइन रफाइल श्रीकांत अनार थारेन खिलाड़ी थोड़ा सा भुतुरु ने लोगों का मतलब इन तगड़ा बकिन अटैकिंग करा गीत बुलाओ में गीत हो अवसर मिला गया एक गोल या अंतर बार बार मन को यहाँ यहाँ बार बार बंद करा आम अंतिम सेकेंड रहम घर रुवर दरिया करा बसरते उनका ना गिप्रे सर डला में अनुज जी खतरनाक मुंड बना में तप्पे अने की हम नोडे वापसी गोलंद का दरिया कर गया बिल्कुल चलिए आठ नंबर जैसे रोका खिलाड़ी डी बॉक्स के अंदर रेड बॉल डाला और कदम टप्पा खाने के बाद खतरनाक मुंड रहे लेकिन नो 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 कोई मुंड बांध गेंद हो रहे चलाओ खेना रफाइल गेंद के पीछे रहे लेकिन मनीष सुपर सेफेंडर इस बीच लेफ्ट आउट एट खिलाड़ी श्रीकांत भाई खतरनाक शॉट और नोडे गोल गो राबूर 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 कते की राबूर दिया किदा और बता नोडे गोल भी पर देना अनुज बिल्कुल श्रीकांत को आप इतने हल्के में ना लें क्योंकि अब ग्राउंड में उनका बहुत ज्यादा स्कोर रहा करता है और आज सरहद शिकारी के ऊपर कितना प्रभावशाली खेल दिखा पाएंगे फिलहाल डीवल मरांडी इस समय बॉल कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे देखना होगा क्या वहां से बॉल निकाल पाएंगे बहुत शानदार क्रॉस किया है देखना होगा जर्सी नंबर 6 जिस नंबर की है इस समय डीवल मरांडी आगे निकलने का प्रयास वहां से क्रॉस करने की दरकार है लेकिन यही खिलाड़ी समय के रहते क्रॉस करने की जरूरत थी क्योंकि कुकी वहां आ गए थे और वहां से अगर जर्सी नंबर 6 में आगे निकल गए थे सही क्रॉस अगर जाता तो निश्चित रूप से एक बार खतरा पुनः पनप सकता था टीम के लिए बिल्कुल थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी लाहर अगर अड़ाए लिखाए तो इन तक तेज रन करते हुए चला कम है ना लेकिन बांग्ला का कहते थोड़ा गन तरीकी खिलाड़ी लगा किए कि दिया और जो क्रॉस जरूरत है करा उनका क्रॉस भांग ले लिया बिल्कुल जर्सी नंबर 4 इस समय क्रॉस किया है देखना होगा राइट आउट के लिए मौका मिलेगा लेकिन तब तक वहां मंजीत दौड़ कर आएंगे ये नहीं उनसे मीट हो बीट हो चुका है वहां रक्षा पंक्ति एक बार बॉल को निकालने का प्रयास क्या किक करेंगे या फिर वहां पे साथी खड़े के लिए बॉल को सरकाएगा फिलहाल करी करने को यहां पे ताब है गोडोलैंड की टीम ये देखिए बाबूलाल का हेडर वहां पे जर्सी नंबर 14 रफाएल सोरेन आगे जा रहे थे मनोज दा टारगेट करना होगा एक एक खिलाड़ी को वहां रीड करके बॉल को स्कैन करके देना होगा ये देखिए एक बार फिर से बीमर का मौका मिलेगा लेकिन ऑफ साइड जैसे निकलेंगे ऑफ साइड होता पुनः गोलकीपर ने बाकी क्या पूरा किया बिल्कुल महेंद्र हंसता है कते
सरहद शिकारी या पल्ला थोड़ा रन बाहर प्रभारी, लेकिन मनीष किसकुआ क्या जबरदस्त तलवार। इस बीच रफाइल थोड़ा गन ने क्लियर किया, बड़ा चुप नहीं रफाइल। बड़ा चुप नहीं रफाइल का गुनेलेकान संतोष ट्रॉफी बिहार को लगाती चुको बिना अभी यूट्यूब पे जल रहा खड़ा जैसे नंबर 10 रे रफाइल और तेज खिलाड़ी खड़ा टीम मोस्ट खिलाड़ी खड़ा है बिहार टीम भान रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी खड़ा है खड़ा जय क्रिकेट और धीरे जरा है तो रणजी इग्नोर किया लेकिन चलेगा फिर से नंबर 12 सुशील रंजन टपाखाना खिलाड़ी के बाद बहुत ही सुंदर बाबूलाल के लिए बहुत ही सुंदर मौका लेकिन राइट साइड में खिलाड़ी राइट आउट थोड़ा करने तय मौका लहा जरूर हम फॉरवर्ड लाइन में पिया पुण्या खिलाड़ी को पति है मियां अमा कभी तो बंचा रिया या बॉल बना रिया दबान करना आपको गोल देने का काम दिया गया है ऐसे में हम गोल लगे की चाह पड़ा है मैं गोल पोस्ट के आजू बाजू है और जब हमें नाम दा तो हम से कौन रहता सुने और एस दास जी इनाम की मैं देता कोच किसी भी टीम को अगर फॉरवर्ड लाइन को जेले खान अमा परसेंटेज को डुकता बेटा देखना होगा सुशील रंजन जर्सी नंबर 8 इसमें सरहद सिंगारी को बीट करने के बाद बाबूलाल के बॉल को सरकाया है बाबूलाल इस समय बॉल को ड्रिबलिंग करने के बाद राइट आउट के लिए बॉल का मौका बनेगा लेकिन वहां सरहद सिंगारी बिहार के खिलाड़ी आगे निकल चुके थे बॉल को वहां से बाहर निकाला फिर है बात जस्ट डाउन देखना होगा सरहद सिंगारी तेज गति से बॉल को रन करने के बाद जर्सी नंबर 11 के लिए टीमर थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं और रेफर वहां देखा जा सकता है अभी दास मुस्कुरा रहे हैं अरफन मौले अरफन मौला रेफरी बंगाल के ये खिलाड़ी इनका भी इस मैदान पर अमूमन पदार्पण होता है इस वर्ष भी और बहुत खूबसूरत अंदाज में खिलाड़ियों से बात करते हैं डिसीजन देते हैं ये उनका परिचय है ये देखिए एक बार खतरा हो सकता है सरहद सिंगारी के लिए गोलकीपर मंजीत शानदार कलेक्शन इस समय परिवर्तन की आस में निकल चुके हैं एक बार फिर से बड़ोलैंड की टीम देखना होगा बॉल कंट्रोल करेंगे मिडफील्डर वहां से बॉल को निकालने का प्रयास लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक शॉट इस कारण से बॉल ड्रॉइंग वाले एरिया में चली गई ड्रॉइंग करने का मौका मिलेगा सरहद सिंगारी को सरहद सिंगारी इस समय बिल्कुल अगले आक्रमण की तैयारी कर रही है जैसे ही कद्दर ने गोल दागा अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाया पुनः टीम एक बार दूसरे गोल की फिराक में चल रहे हैं जबकि पलटवार करने को तैयार है इस समय बड़ोलैंड की टीम देखना पड़ेगा क्या यहाँ इस हाथ इस खेल तक इनको रोक पाएंगे या फिर अंतिम समय में इसको मुसीबत हो पाएगा फिलहाल बॉल को निकाला है देखना होगा बड़ोलैंड की टीम बाहर अच्छा पंक्ति शुक्ला और सोनेट बॉल को निकालने का प्रयास बहुत सुंदर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पासों का एक जरिया बनाया गया जैसे नंबर 16 इन कर दिया गया था लेकिन वहां किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी आएंगे गोलकीपर और बॉल को कलेक्ट करेंगे आगे निकलेंगे या जी नहीं वहां जर्सी नंबर 4 आगे चले गए थे लेकिन वहां बाबूलाल का अंतिम समय में क्या मानसिकता आई खुद को रोका कंट्रोल किया या फिर कुछ उसके दिमाग में हो ऑफसाइड का जो सिग्नल था उनका इंतजार कर रहे थे मौका मिला था मनोज दा इस मौका को भुनाना चाहिए था अक्सर बहुत कम ऐसा मौका मिलता है आपको इंग्लैंड में ना ऑफ साइड है तो कहा दिखा तो अलम को होया अरे ऑफ साइड हुई खाए हुई को लेकिन यो ही क्रॉस करते बाहर थे चला करा लेकिन हम आपको जरूर तहे करा नोडे हम उना बॉल रे रन में उना बॉल रे हाथा में क्रॉस में धन श्रीकांत बीते की तरह क्रॉस लेता सीधा जो हमने कोई गोल न संभव बताया कि सीधा जो गोलकीपर अभी बढ़िया एंगल बना करते ने चलाव का देना शॉट लिखा रहे सीधे उठे की तरह को वह विकल्प क्रॉस वाला विकल्प अभी मौज की श्रीकांत आता है कि ये देखिए हेड के माध्यम से और क्रॉस लेकिन बाल बाल बचता हुआ खतरनाक ढूंढ रहे रफाएल होना नकार रहे हेड स्किल दिखाते हुए नेट डलाव रहे कोशिश करते हुए लेकिन नाकामयाब अंतिम समय रे आर हो गए तजरे का कोई बाहर थे चलिए थोड़ा गान जनी चीचो हुई के ना कॉल हुई के ना मीठे नेपाली ते रोड के ना मीठे बंगाली ते रोड के ना वो अपन बुझे होगा से ची हो
सही बात है और सर कह रहे हैं कि ना समझ ही ना ही समझना ही बेहतर है, क्योंकि दोनों ही एक मणिपुर मूल के खिलाड़ी हैं जोकिस, जबकि बंगाल मूल के ऑन फील्ड रेफरी अमित दास, दोनों का वार्तालाप जरूर एक सब्स्टिट्यूट देखा जा रहा है मनोज दास, पूरा इसमें एक परिवर्तन के साथ बुडलैंड की टीम अगले आक्रमण के लिए देखना होगा, बहुत शानदार क्रॉस वहां देखना पड़ेगा, एक मुश्किल वाला क्षण, निश्चित रूप से वहां खतरा, लेकिन जैसे तैसे ही सही आसमान की चुनिंदों को छोड़ता हुआ बॉल निकल गई, लेकिन बॉक्स के आजू बाजू की बॉल का कोई दौड़े दी दौड़े खिलाफ अरुचि, बिल्कुल जर्सी नंबर 14 इस समय तेज गति से वहां से रन करने के बाद देखना पड़ेगा वहां से क्रॉस करने की दरकार है, सरहद शिकारी के लिए एक मौका बनेगा, लेकिन यहां ब्रोलन की टीम भी बहुत बीच बचाव में आएगी क्योंकि समय नहीं उनके पास, ये देखिए अंतिम मिसिल के बाद इसी के साथ सरहद शिकारी ने यहां सरहद पर जा जाकर वहां ब्रोलन टीम को शिकार कर दिया।